वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज वर्कशीट हम 16 करने जा रहे हैं और ये जो 16 वर्कशीट है ये आपके 19/11/2020 की रहने वाली है। हिंदी सब्जेक्ट रहेगा कक्षा 7 की। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको वीडियो नहीं पता लग पाएगी। फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि किस तरीके से एक आदमी जो होता है एक बच्ची को उसके घर से उठाकर ले आता है। अब जो बच्ची है वो जो डाक खाना है, ठीक है, उसके पास में वो बच्ची लेटी हुई है, ठीक है। तो अब जो है पात्र जो है यहाँ पर अलग अलग, वो उस बच्ची को उसके पिता से मिलाना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि वो आदमी अभी यहाँ है नहीं, ठीक है। आओ देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। बच्चों बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कहानी जब इंटरेस्टिंग हो तो बच्चों मज़ा आ रहा था पढ़ने में, और कहानी में अगर आपको अभी भी शुरू में मज़ा आने लग जाए ना तो अब तो लाइक कर ही देना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कौवा, यहाँ पर कौवा है। देखो यहाँ जो पात्र ना, जो कहानी बनाई गई है इसमें सब बोल रहे हैं, ठीक है। हालाँकि कौवा आपसे कैसे बात करेगा, है ना। तो देखो कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से हम इसे मिलवा सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, उस लड़की की, क्योंकि उस लड़की के पापा खो गए हैं, एक्चुअल में उसे उठा के ले आ गया है, ठीक है। सभी सभी उठकर, कैसे करें कैसे करें। कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वे आराम से देर तक सोती रहेगी, और खम्भे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। मतलब खम्भे को टेढ़ा होने के लिए कह रहा है, पेड़ को क्या कर रहा है कि इस तरीके से घनी छाया करे कि लड़की सोती रहे। पता बच्चों लड़की क्यों सो रही है? अगर आपने पुरानी वर्कशीट पढ़ी थी तो उस आदमी ने उस लड़की के ऊपर जो है क्या करा था, उसको बेहोशी की दवाई से सूंघा दिया था, और जिसके तो बेचारी बच्ची बेहोश हो गई थी और गहरी निद्रा में चली गई थी। और यहाँ पर सारे के सारे जो पात्र हैं ना, वो बेचारे घबराए हुए हैं, अरे कैसे इस लड़की को बचाएँ, कैसे इसके पापा को इसे मिलवाएँ, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चों ध्यान समझना, बहुत मज़ा आएगा। आगे देखो क्या हुआ। खम्बा, इससे क्या होगा, खम्बा कह रहा मैं टेढ़ा खड़ा हो जाऊँगा भाई, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो कौवा कहता है पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। ओए होए होए हो, क्या दिमाग लगाया कौवे ने, सुन रहे बच्चों, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया तो वो यहाँ आएगी और हमारी छोटी सहेली को देखेगी और वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबसे सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। इस तरीके से खंबा टेढ़ा होगा, पेड़ फैला होगा और लगेगा एक्सीडेंट, और पुलिस वाला पहुंचा देगा फटाफट बच्ची को उसके घर पर। तो ये अनुमान लगाया कौवे ने। बच्चों आप बताओ क्या कौवा सही सोच रहा है? अगर आप बताना चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आगे करते हैं। खंबा, रहूँगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। अब खम्बा कह रहा मैं तो टेढ़ा खड़ा हो गया, अब भैया अगर पुलिस नहीं आई तो। कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। मतलब कौवा कह रहा मैं लोगों को परेशान करूँगा, ठीक है, और क्या करूँगा, इससे क्या होगा, लोग जो है लोगों का ध्यान भटकेगा, लोग इधर की तरफ आने लग जाएंगे। वाह वाह कौवे में तो बड़ा दिमाग है बच्चों, है ना। आगे देखो क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी आगे जो है अगली कहानी में कहेगा। आज कहानी का इतना ही जो है ख़त्म हो गया। अगर इंटरेस्ट आया तो इस तरीके से मुझसे जुड़े रहना और मैं आपको अगली वर्कशीट भी यहीं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इसके आंसर के साथ। तो फटाफट अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर पेज पर कर रखे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बच्चों अब फटाफट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। पहला है, यहाँ सभी मिलकर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आंसर देखिए, वैसे आपको पता होगा सभी चाहते हैं कि लड़की को उसके घर मिल जाए, ठीक है। आओ फटाफट करते हैं बच्चों। पहला आंसर आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ सभी मिलकर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लिख देना यहाँ सभी मिलकर लड़की को उसके पापा से मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि उसके घर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, कौवा पेड़ से क्या करने के लिए कहता है। कौवा पेड़ से घनी छाया करने के लिए कहता है ताकि लड़की आराम से देर तक सोती रहे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड था कौवा खम्भे से क्या करने के लिए कहता है। अब खम्भे से पूछ रहे हैं और आपको पता है टेढ़ा होकर खड़े रहने के लिए कहता है, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट लगे पुलिस को।
आगे है कि कंबे द्वारा पूछे गए प्रश्न की क्या कि इससे क्या होगा, मतलब अगर वो टेढ़ा खड़ा होगा तो क्या होगा, तो कौवे ने क्या उत्तर दिया। अब आप इसका आंसर देख लीजिए, तो आप इसका आंसर ये पूरा नोट कर लेना कि पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया वहाँ, यहाँ वो यहाँ आएगी और हमारी एक इस छोटी सहेली को देखेगी और वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। ठीक है, आप पूरा आंसर लिख देना, सेम वर्कशीट से ही था। आगे देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि यदि पुलिस नहीं आई तो कौवा क्या करेगा। कौवा जोर जोर से काँव काँव करेगा, लोगों का ध्यान लड़की की ओर खींचेगा, वह लोगों की चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पांचों क्वेश्चन करवा दिए, और इस बात पर लाइक तो बनता ही बनता है, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी मेरे अंदर एक तरह से मोटिवेशन आएगा और मैं आपके लिए फटाफट सारी की सारी वर्कशीट लेकर आता रहूँगा। क्योंकि अगर मोटिवेशन ख़त्म हो जाता ना, फिर वीडियो बनाने में मन नहीं करता। इसलिए मैंने, आपने देखा भी होगा कि बीच में मैंने वीडियो जो है अपलोड करना बिल्कुल कम कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, तो और आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो। बस इतना ही कहना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।